हे गाइस, वेलकम टू द वीएस किचन। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड केसर मलाई रोल, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने की। तो यहाँ पर हमने लिया है एक पैन, गैस की फ्लेम को रखा है लो, और यहाँ पर हमने डाल दिया है 3 टेबल स्पून बटर। ये अनसॉल्टेड बटर है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप दूध। दूध के अंदर हमने डाल दिया है केसर। ये ऑप्शनल है केसर, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं डालें, आपकी चॉइस है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून मलाई, यानी कि अमूल फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम इसको चलाएंगे अच्छे तरीके से, मलाई को दूध के अंदर मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध के अंदर एक दो बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पर हमने लिया है मिल्क पाउडर 1/2 कप। इसको भी दूध के अंदर अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो यहाँ पर हम इसको चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक ये थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा केसर मावा है वो थिक कंसिस्टेंसी में आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर भी हम इसको चलाते रहेंगे, अभी हमें इसको थोड़ा सा और थिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा केसर मावा है वो बनकर एकदम रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थिक हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और केसर मावा को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हम बनाएंगे मलाई मिल्क मलाई केसर रोल के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप दूध, और दूध डालने के बाद हम पैन के अंदर डालेंगे 1/2 कप मलाई, यानी कि अमूल फ्रेश क्रीम। आप घर की क्रीम का भी यूज़ इसके अंदर कर सकते हैं। तो अब हम दूध के अंदर डालेंगे 1/2 कप चीनी, शुगर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। मलाई मिल्क को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी थिक नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। तो अब हम लेंगे एक ब्रेड, और ब्रेड को हम रोलिंग पिन से प्रेस करेंगे, यानी कि इसको हम बेलन से बेल लेंगे, और इसके जो साइड है यानी कि जो ब्राउन पार्ट है उसको हम चाकू से कट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ब्रेड हैं वो हमने कट कर लिए हैं और इनको रोलिंग पिन से प्रेस कर दिया है। तो अब हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे हमने जो स्टार्टिंग में केसर मावा बनाया था उसको। ब्रेड के चारों तरफ हम स्पून से स्प्रेड कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड पर मावा लगा देंगे। यहाँ पर हमने लिए थोड़ी सी चेरी, उसको डाल दिया है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं। और चेरी डालने के बाद हम ब्रेड को कर देंगे रोल, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से, और रख देंगे एक बर्तन के अंदर। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी प्लेट ले सकते हैं, जैसा आप जिसमें सर्व करना चाहे, जिस भी बर्तन में उसको आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे रोल हैं वो बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमने मलाई मिल्क तैयार किया था, अब हम मलाई मिल्क को ब्रेड रोल्स के ऊपर डाल देंगे। तो मिल्क को हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून दूध, और उसके अंदर हमने डाल दिया है केसर।
तो यहाँ पर हमारा केसर वाला दूध भी बनकर रेडी है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दूध के अंदर केसर को डालकर रख देना है, तो आपका केसर दूध तैयार हो जाएगा। तो उसको हम डाल रहे हैं डेकोरेशन के लिए रोल्स के ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे चेरी। आप चाहें तो इसको ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्रेड केसर मलाई रोल बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं। हमने इनको चेरी और सिल्वर बॉल से गार्निश कर दिया है। आप अपने मन के अकॉर्डिंग इनको ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। तो आपने देखा ब्रेड केसर मलाई रोल घर पर बनाना कितना इजी है, कितना सिंपल है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल लव यस किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।